वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। माई सेल्फ इंजीनियर विनय कुमार मौर्य इन फ्रंट ऑफ यू। और इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आने से पहले मैं भी एक स्टूडेंट था। आई एम कंप्लीटेड नाउ बीटेक एमबीए एनसीसी, बट नाउ टुडे टॉप टू बॉटम फुल टाइम एज ए करियर ड्यू सॉफ्टियन। आज जिस शख्सियत को आपके बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूँ माई डियर फ्रेंड, 3,500 से ज्यादा माइल्स कंप्लीट करके आज आपके सामने आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन स्क्रीन वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, जीनियस माइंड, लाखों दिलों की धड़कन, रिस्पेक्टेड मिस्टर कुमार मनीष सर, आपके डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में माय डियर फ्रेंड। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं ना लोहा बरसात में 2-3 सीजन रख दिया जाए तो उसमें भी एक लग जाता है, लेकिन सर आज 21 साल सर आपने ड्यू सॉफ्ट में दिया, तो सर आपके अंदर सर ड्यू सॉफ्ट की वजह से सर क्या क्या सर परिवर्तन आया, क्या क्या चेंजमेंट आया, हम जानना चाहेंगे आपसे। चेंज अगर पुराने को देखोगे और आज को देखोगे तो मुझे तो 2-3 साल के बाद ही लोग पहचानने में लोगों को दिक्कत आने लगा था। तो चेंज कई तरह का होता है दोस्त। अगर चेंज आपका चेंज की बात करो तो एक चेंज होता है जो आपको दिखता है, आपकी बोलचाल में, आपके पहनावे में, एक आउटर लुक का चेंज। लेकिन मैं आपको इनर, अंदर की चीजें बताता हूँ जो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान अपने में जो बदलाव फील किया ड्यू सॉफ्ट के पहले और ड्यू सॉफ्ट करने के बाद। ड्यू सॉफ्ट से पहले एक चीज था कि एक, और ये कॉमन होता है, हम लोग जाने अनजाने न जाने कब सीख जाते हैं सारे इंसान, हम सारे कि हम लोग मतलब नेगेटिव थोड़ा सा अप्रोच हो जाता है और नेगेटिव टॉक हो जाता है, नेगेटिव लोगों से बातचीत हो जाती है, हमेशा मतलब अच्छा नहीं सोच पाते हैं। पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये बोलना आसान है लेकिन होना। तो ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज आई मेरे अंदर कि मैं नेगेटिव चीजों से भागने लगा और मैं अंदर से थोड़ा सा मैं पॉजिटिव होने लगा कि और मतलब वो एक सोच सकारात्मक होने। कहते हैं ना कि आदमी अपने सोच से ही बनता है, अगर सोच बदल दो तो इंसान बदल जाता है। तो ड्यू सॉफ्ट आने के बाद मेरी सोच बदल गई और सोच बदला इसलिए मैं बदल गया। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि सोच बदलो और सोच पॉजिटिव रखो, बहुत फायदा आता है। वो मतलब आपको अंदर से बदलेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया बदलने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता जब आप अंदर से बदलते। तो वो ड्यू सॉफ्ट में जो सबसे पहला चीज किया कि मेरी सोच को बड़े सपने, बड़ी सोच, अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए बड़ा सोचना। मतलब वो नहीं रहा पहले क्या था, किस्मत खराब है, मेरा लक खराब है, मेरे से नहीं होगा। और हर जब भी कुछ देखता था ना तो उसका नेगेटिव देखता था। मैं तो किसी को गाड़ी से उतरते हुए देख लेता था ना, बड़ी गाड़ी से, तो सोचता था 2 नंबर का कमाया हो। मतलब तो ऐसा इंसान था, किसी का घर बड़ा देख लिया ना तो मैं ये सोच लेता था कि देखो बहुत 2 नंबर का पैसा कमाया, तभी इतना बड़ा। मतलब सोच एक गलत सोच था। तो वो सोच मेरी बदली और सोच बदली। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बदलाव हुआ मेरा, वो हुआ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। और मतलब इसको ऐसे समझो कि मैं किसी चीज को लीड करने लगा, मैं उस चीज को लीड, मतलब ये नहीं कि तुम कर लो, कोई और कर लो। उसको कहते हैं कि लीड फ्रॉम फ्रंट, कि मैं उस चीज को मतलब हर चीज जो करना है वो मैं करूंगा। पहले किसी भी चीज से मैं घबरा जाता हूँ, डिस्कस करने के बाद ये घबराहट निकल गई। कोई भी नई चीज आती है आप दिमाग में आता है, हाँ सीख जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाएंगे। तो ये बड़ी चीज आई कि मैं पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सोच को बदला। और दूसरी चीज की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा, ये मैं ही करूंगा, कोई और क्यों करेगा, मैं करता हूँ। और मुझे अभी हाल फिलहाल की कोविड की दौर की याद है, जब तक मेरा जून का कोई अनुभव नहीं था, और जब कोविड हो गया और माहौल वो बदल गया तो हुआ कि भैया प्लान कौन करेगा, कैसे करेंगे। तो मैं बोला मैं करूंगा, पहला प्लान मैं करूंगा, मैं किसी अपने फ्रंटलाइन और उसको भी मैं करूंगा और उसकी तैयारी। तो ये बेसिक ये चीजें हर जगह अभी भी करता हूं मैं। तो ये जो लीड करने की आदत ड्यू सॉफ्ट में बनाया, तो यही मुझे सबसे बड़ा बदलाव। और एक बार मतलब वो लीडरशिप जो अंदर पैदा कर देता है ना, लीडरशिप का कीड़ा ड्यू सॉफ्ट, तो फिर आप जीवन में कभी बैक गियर में नहीं जाओगे, हमेशा आगे। कि आपको पता है कि थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा चैलेंज आएगा, भिड़ना पड़ेगा, वक्त है बदल जाएगा और आप पास करके अच्छा बन जाओगे। मतलब ये कभी नहीं आप सोच पाओगे कि अब नहीं। उनको आपको हमेशा की वो लीडर आपको बनाया है, वो ये टाइम के साथ इस माहौल के साथ आप मैं बन गया कि मुझे मतलब चैलेंजेस अब आए हैं तो भाई इसको हम दूर करेंगे। और चैलेंजेस को इस तरह देखते हैं हम लोग कि ये इसको अगर हम दूर कर लेते हैं, इससे हम भिड़ते हैं और इससे आगे निकलते हैं तो मेरे पास और बड़ी कामयाबी है। तो ये सोच डेवलप एज ए ह्यूमन बींग मेरे में ये बहुत बड़ी बदलाव आई और उसी के कारण मैं आज जीवन में यहाँ तक पहुंचा। अदरवाइज मतलब अगर ये नहीं होता, ये बदलाव मेरे अंदर नहीं होता, मेरी सोच की और मेरी चैलेंजेस से लड़ने की और खुद से करने की हर चीज बढ़ के आने, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और इसमें सबसे बड़ा योगदान डीसॉफ्ट का वो जो सपोर्ट सिस्टम है उसका है। तो ये बदलाव मैं फील किया। ग्रेट सर, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। आपने बताया कि डीसॉफ्ट में सर आने के बाद आप कहते ना कि एक नेगेटिविटी से सर उसके पॉजिटिविटी में चले गए, और ये सर इंसान की आज देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। आज हमारी सोसाइटी में देख लिया जाए अगल बगल इंसान आज नेगेटिविटी ज्यादा हावी हो जाती है अगर देखा जाए तो। लेकिन डीसॉफ्ट में आने के बाद सर आपने बिल्कुल सही कहा कि नेगेटिविटी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया, हमेशा पॉजिटिव दिखाई दिया और आगे बढ़ते गए। थैंक यू सो मच सर, आज सर आप हमारे बीच में आए और कितना शानदार तरीके से सर आपने अपना पिछले 21 सालों का सर एक्सपीरियंस आपने सर यहाँ पे शेयर किया और हमारे हर सवालों का इतना सिंपल तरीके से, इतना फ्लुएंट और अपने एक्सपीरियंस के तौर पे इतना बढ़िया तरीके से सर आंसर दिया। और वाकई सर लॉट ऑफ थैंक्स सर वैल्यूएबल नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन। मेरे लिए उसी का मौका वो होगा जहाँ पे आप सारे लोग कामयाब हो, अपने सपनों को पूरा करें। और डीसॉफ्ट के साइट पे आपका वो फ्लैश के ऊपर आपका फोटो आए, आपके अचीवमेंट आए।